नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद और आप देख रहे हैं टैब। आज हम आपको दिखाएंगे चोरम की वो तस्वीरें जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि हमें रहना होगा इनसे सावधान। ये गुनाह के वो मामले हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और अपने पीछे कई सवाल भी छोड़ जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं डायल 100। देश भर में आज गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है और लोग अपने गुरुओं का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे गुरु के बारे में जिसने गुनाह का एक वो खेल खेला जिसके बाद वो लंबे वक्त से सलाखों के पीछे है। कानून से वो बार बार गुजारिश करता है कि उसे जेल से बाहर निकाला जाए, लेकिन कानून ने अभी उसकी इजाजत नहीं दी। आखिर इस शख्स का जुर्म का जो खेल रहा वो भी कम नहीं रहा और यही कारण रहा कि वो सलाखों से बाहर नहीं आ पा रहा। आज हम आपको बताएंगे एक उस आसाराम का सच जो रेप के आरोप में जेल में है और जिसका सच जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। कहने को तो ये शख्स खुद को संत कहा करता था, लेकिन इस शख्स की हरकतें जब सामने आई तो उसके कथने और करने में भी अंतर सामने आ गया। लेकिन अपने लोगों के सामने इस शख्स ने जो छवि बनाई हुई थी उसकी बदौलत ये करोड़पति बन बैठा। करोड़ों की संपत्ति का यह खेल खेलने वाले इस शख्स के पास कितनी दौलत है, कितना बड़ा साम्राज्य है, इसका अंदाजा आज तक कोई नहीं लगा पाया। सूत्र बताते हैं कि रेप के आरोप में राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद आसाराम के पास करीब 2300 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति सामने आई है। कथित रूप से धर्मगुरु के रूप में खुद को विख्यात कर आसाराम ने यह संपत्ति अर्जित की है। ये शख्स गुरु पूर्णिमा से 2 महीने पहले ही गुरु दक्षिणा के रूप में धन इकट्ठा करना शुरू करता था और पर्व के 2 महीने बाद तक ये सिलसिला चलता रहता था। इस शख्स के लिए रुपया कमाने का सबसे बड़ा तरीका था ये पर्व। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में इस शख्स के प्रवचन करने के अंदाज और कुछ करीबी चेलों की मौजूदगी में ये शख्स लोगों को इस कदर मूर्ख बनाता था कि फिर उसने गुरु पूर्णिमा को भी अपनी कमाई का जरिया बना डाला। एक समय था जब गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आसाराम अपने शिष्यों से चारों ओर से घिरा रहता था और उनके शिष्य एक झलक पाने के लिए कई घंटों तक लाइनों में खड़े रहते थे। लेकिन पिछले 3 सालों से आसाराम जोधपुर की इसी सेंट्रल जेल में बंद है और करोड़ों की संपत्ति के मालिक आसाराम के पास अब न तो वह मखमल की गद्दी है और न ही उसके वह सेवादार। अपने आप को संत कहलवाने वाले सासाराम की कहानी भी कुछ कम नहीं और इसकी मिल्कियत भी कम नहीं। सूत्र बताते हैं कि आसाराम की मिल्कियत वाली काफी प्रॉपर्टी गैर कानूनी है। इन जमीनों को गलत दस्तावेज रखने वाले भक्तों को फुसलाकर और अतिक्रमण के जरिए हासिल किया गया है। पता चला है कि आसाराम के पास 400 ट्रस्ट हैं, जिनके जरिए वो अपने पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण रखता था। इनमें से 2 सबसे अहम ट्रस्ट
संत श्री आसाराम जी आश्रम ट्रस्ट और संत श्री आसाराम जी महिला उत्थान ट्रस्ट अहमदाबाद से चलाए जाते रहे हैं। आसाराम की संस्थाओं की ओर से पत्रिकाओं, प्रार्थना पुस्तकों, सीडी, साबुन, धूपबत्ती और तेल जैसे उत्पादों की बिक्री से, श्रद्धालुओं के चंदे से और आश्रम की हड़पी हुई जमीन पर खेती से भी आश्रम के खजाने में मोटी रकम आई। सूत्र बताते हैं कि 2013 में आसाराम की गिरफ्तारी तक आश्रम से प्रकाशित दो पत्रिकाओं ऋषि प्रसाद और लोक कल्याण सेतु की 14 लाख प्रतियां हर महीने बिकती थी। इनसे सालाना 10 करोड़ रुपए के आसपास रकम आती थी। दरअसल आसाराम का धन बटोरने का सबसे बड़ा जरिया अनुयायियों को प्रवचन देना था और हैरत की बात तो ये कि 2 या 3 दिनों के हर एक प्रवचन में उत्पादों की बिक्री से ही करीब 1 करोड़ रुपए जुटा लिए जाते थे। सबसे ज्यादा धन उगलने वाले 3 या 4 सालाना गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम हुआ करते थे। इस पर्व से कितना धन आता था इसका रिकॉर्ड तक कोई पता नहीं कर पाया है। आसाराम के करीबी बताते हैं कि हर साल 10 से 20 भंडारे किए जाते थे और उनके लिए 150 करोड़ से लेकर 200 करोड़ तक चंदा लिया जाता था। इसके तुलना में खाना बनाने और बांटने में खर्च की गई रकम नाम मात्र की हुआ करती थी। बहरहाल करोड़ों का आसामी अब ये आसाराम सलाखों से बाहर निकलने की कोशिश में तो लगा है, लेकिन कानून ने उसे ऐसा सबक सिखाया है कि वो सब कुछ भूल चुका है और फिलहाल तो अपने गुजरे हुए दिनों की यादें ही उसके साथ हैं। अपनी गिरफ्तारी से पूर्व जेल को बैकुंठ बताने वाले आसाराम अभी भी जेल की सलाखों के पीछे है। आसाराम ने जेल से बाहर आने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक वकीलों की पूरी खोज खड़ी कर दी, लेकिन अभी भी आसाराम को जमानत नहीं मिल पाई है। अपने ही आश्रम की नाबालिग छात्रा के साथ यौनाचार के आरोप में फंसे आसाराम को जमानत कब मिल पाती है यह कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन निश्चित रूप से इस प्रकरण ने गुरु और शिष्य के रिश्ते को सनसा जरूर किया है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जोधपुर से समीर खान के साथ शिवप्रकाश पुरोहित। कहते हैं कि रस्सी जल जाती है लेकिन पल नहीं जाता, और ऐसा ही कुछ देखने में आया आज नागौर के टीटवाना में, जहां पुलिस हिरासत से फरार हुए आनंद पाल के साथ ही सुभाष मून ने आज पुलिस के साथ ऐसा तमाशा किया कि एक बार की तो हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि आनंद पाल के साथ फरार हुए सुभाष मून को पुलिस ने काफी कोशिशों के बाद गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन अब वो ही पुलिस पर हावी होने की कोशिश में जुटा है। चलिए आपको दिखाते हैं तस्वीरें जो आज टीटवाना में नजर आई। पिछले साल 3 सितंबर को अपने दो साथियों सुभाष मोंड और श्री वल्लभ के साथ फरार हुए आनंद पाल को तो पुलिस आज तक नहीं खोज पाई, लेकिन पुलिस ने कुछ कोशिशों के बाद आनंद पाल के साथ ही सुभाष मोंड पर जरूर शिकंजा कस दिया था। अब लगातार पेशी और पूछताछ का दौर चल रहा है और मंगलवार को भी इसी कड़ी में सुभाष मोंड को टीटवाना कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन इसी बीच यहाँ हंगामा बरप गया और इन तस्वीरों को देख ऐसा लगता है कि सुभाष मोंड के तेवर आज भी बुलंद है। और पुलिस को उससे मशक्कत करनी पड़ रही है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। डीडवाना में हुई पेशी के दौरान वो पुलिस अधिकारियों से उलझ गया। इस शातिर को जब हवालात में डाला जाना था तो उसने इससे इनकार कर दिया, जमकर हंगामा किया और ये पुलिस से भिड़ गए। गया
कोई दिक्कत नहीं है, अरे मानी बैठूंगा मैं बिना पंगे में बैठूंगा वाला दो पंगा चलो कोर्ट में कटवा जाओ, केस में कर देना, वोट पे तो ला दो, आ जाओ ना वोट ला दो, ला जाओ आपको कोर्ट बुलाएगा तभी तो लेने पड़ेंगे, जब तक मैं कहता हूं ना तुझे। दरअसल आज पुलिस ने इसे डीडवाना कोर्ट में फोगड़ी फायरिंग मामले में पेश किया था। इस दौरान जब पुलिस कर्मियों से जेल में बने बैरिक में बंद करने लगे तब उसने बैरिक में जाने से इनकार कर दिया। यही नहीं, वो पुलिस के अधिकारियों से भी बहस करने लगा। कोई दिक्कत नहीं है, अरे मामा नहीं बैठूंगा मैं बिना पंगे में बैठूंगा वाला इस पर पुलिसकर्मियों ने DYSP नरसीलाल मीणा को मामले की जानकारी दी। नरसीलाल मौके पर पहुंचे और सुभाष मोन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब वो आनाकानी करने लगा और अधिकारियों से बहस करने लगा तो मीणा ने सख्ती दिखाई और उसे बैरिक में डलवा दिया। इस पर सुभाष मोन आक्रोशित हो गया और मीणा पर मारपीट कर जबरन बैरिक में डालने का आरोप लगा डाला। जबरदस्ती मेरे साथ मारपीट की गई, गाली निकाली गई और मुंह में ही धमकी दे रहे हैं। जैसा कि आपके दोस्त भाई एक रेगुलर भी दे रहे हैं सैनिक चले के पास, इसे मुंह में लेने की तुम्हारी इतने मुंह में लगाएंगे। यहाँ करीब आधे घंटे तक सुभाष मोन और पुलिस कर्मियों के बीच ड्रामेबाजी का ये दौर चलता रहा। कोई दिक्कत नहीं है, अरे मामा नहीं बैठूंगा बिना पंगे में बैठूंगा वाला पुलिस वाले असमंजस के हालात में थे कि आखिर क्या किया जाए। मामला आला पुलिस अधिकारियों तक भी पहुंचा, लेकिन फिर इसे जबरन हवालात में टाल ही दिया। सामने आया है कि सुभाष गर्मी का हवाला देते हुए हवालात में नहीं जाना चाहता था और इसी मामले पर वो पुलिस से उलझता रहा, लेकिन पुलिस की कड़ाई के आगे आखिरकार उसे झुकना ही पड़ा, जिसके बाद मामला शांत हो पाया। इन तस्वीरों को देख के साफ होता है कि शातिर बदमाशों को आखिर पुलिस का कितना डर है, क्योंकि यहाँ कोई आम शख्स होता तो शायद ये तस्वीरें नहीं बनती। फर्स्ट इंडिया के लिए डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी की रिपोर्ट। इसे गुनहगार का दुस्साहस ही कहा जाएगा कि खाकी की मौजूदगी में भी वो गुनाह करने में पीछे नहीं रहा, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी और सख्ती ने इस बार ये जरूर जता दिया है कि अगर कानून चाहे तो वो किसी भी गुनहगार को सजा दे सकता है। और लगता है अब इसी तर्ज पर जयपुर पुलिस भी उन विदेशी बदमाशों के इंतजार में है जो राजधानी जयपुर में लाखों की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। इस छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताएंगे विदेशी चोरों और उनकी वारदात के बारे में।